टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर चैप्टर फर्स्ट लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ओके देन नाउ लिसन केयरफुली ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन लैंगिट्यूड्स लेइंग टू द ईस्ट ऑफ एनी लॉन्गिट्यूड आर अहेड ऑफ द टाइम एट दैट लॉन्गिट्यूड व्हाइल दोज लेइंग टू द वेस्ट आर बिहाइंड तो हमारी अर्थ के ऊपर जो भी सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं उसमें जो ईस्ट की तरफ के लॉन्गिट्यूड है उसका टाइम आगे होता है और जो वेस्ट की तरफ के लॉन्गिट्यूड है उसका टाइम पीछे होता है एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इंक्रीज देयर लोकल टाइम ऑल्सो स्टार्ट डिफरिंग तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस अगर बढ़ता है तो वहाँ का टाइम जो है उसमें भी डिफरेंट वहाँ पर आता है इफ वी मल्टीप्लाई द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड in degree by 4 minutes then the difference in the respective local time can be calculated to agar hum longitude jo hai unki degree se 4 minute ko multiply agar karte hain to hame alag alag longitude ka time hum calculate wahan pe kar sakte hain the difference in longitudes can be known with the help of a globe or map to लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है वो हम ग्लोब या मैप से वहाँ पे डिफरेंट कर सकते हैं कैरी आउट द एक्टिविटी गिवन ऑन पेज 75 एंड 76 एंड अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वेरियस लोकेशन सी इफ यू कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम एट टू अपोजिट लॉन्गिट्यूड विथ दिस एक्टिविटी तो यहाँ पे पेज नंबर 75 और पेज नंबर 76 इस पे अलग अलग तरह के लॉन्गिट्यूड वाले टाइम दिए गए हैं और उसे देखकर हम बता सकते हैं कि मतलब किस तरह से टाइम का डिफरेंस लॉन्गिट्यूड वाइज वहाँ पे होता है ओके द नेक्स्ट पार्ट इज देयर स्टैंडर्ड टाइम ओके कैन यू टेल मुंबई इज लोकेटेड एट 73 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कोलकाता इज लोकेटेड एट 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑफ दीज टू सिटीज अब यहाँ पे मुंबई ये जो है वो 73 डिग्री पे लोकेटेड है और जो कोलकाता है वो 88 डिग्री पे लोकेटेड है तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है तो क्या करना होगा कोलकाता के जो 88 डिग्री वहाँ पे दिए गए हैं कोलकाता के 88 डिग्री वहाँ पे जो दिए गए हैं उसमें से मुंबई के 73 डिग्री को हमें माइनस करना होगा तो हमें डिफरेंस मिलेगा और वो डिफरेंस आएगा 15 तो 15 डिग्री ये डिफरेंस वहाँ पे हम बता सकते हैं मुंबई और कोलकाता के लॉन्जिट्यूड्स में ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर दैट इज इफ द लोकल टाइम एट मुंबई इज 3 PM देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट कोलकाता तो मुंबई का जो टाइम है वो 3 PM का वहाँ पे बताया गया है तो कोलकाता का टाइम हमें निकालना है अभी हमने यहाँ पे देखा कि 15 डिग्री का वहाँ पे डिफरेंस है और एक डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है एक डिग्री का डिफरेंस वहाँ पे 4 मिनट का होता है तो हमें क्या करना होगा कि 15 डिग्री इतना डिस्टेंस वहाँ पे है 15 डिग्री का डिस्टेंस मुंबई और कोलकाता में है तो हमें एक डिग्री 4 मिनट आगे चलती है या दो लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है वो 4 मिनट का है तो हमें 15 × 4 इस तरह से वहाँ पे करना होगा हमारा आंसर आएगा 60 अब ये जो 60 आंसर आ गया 60 डिग्री ये जो आंसर आ गया तो उसे 60 / 60 इस तरह से हमें करना होगा तो फिर जो आंसर आएगा वो आएगा 1 तो 1 क्या है 1 आवर तो कितना डिस्टेंस वहाँ पर आएगा कितना मतलब टाइम का डिफरेंट वहाँ पर आ सकता है 1 आवर इतना डिफरेंट वहाँ पे आता है मुंबई और कोलकाता के टाइम में ओके द नेक्स्ट पार्ट इज देयर बोथ मुंबई एंड कोलकाता आर लोकेटेड विद इन इंडिया बट ऑन डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स देयर लोकल टाइम डिफर बाय एन आवर तो मुंबई और कोलकाता दोनों इंडिया के अंदर हैं लेकिन लॉन्गिट्यूड वहाँ पे डिफरेंट होने की वजह से टाइम भी डिफरेंट वहाँ पे है ओके तो इफ देयर आर डिफरेंट लोकल टाइम within a country because of longitudinal difference. तो अगर different longitude में different part वहाँ पे आते हैं तो वहाँ की जो time है वो भी change हो जाती है
देन देर विल बी अ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन द रूटीन एक्टिविटी इन द कंट्री. तो कंट्री के अंदर जो सिंक्रोनाइजेशन होगा, मतलब टाइम का मेजरमेंट या टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पे जो भी सारी चीज़ होगी उसमें फर्क वहाँ पे आ जाएगा. इफ ईच वन फॉलो देयर लोकल टाइम डिस्क्रिपेंसीज इमर्ज इन लेइंग आउट डेली बिजनेसेस इन द कंट्री. तो कोई एक किसी एक टाइम को वहाँ पे फॉलो करता है तो वहाँ पे हर एक बिजनेसमैन या जो अलग लॉन्गिट्यूड पे रहने वाले जो लोग हैं, एक ही कंट्री में रहकर अलग अलग जगह पर रहने वाले जो लोग हैं, उनके टाइम्स में वहाँ पे डिफरेंट आएगा. अब यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी, हाँ ये एक वर्ड वहाँ पे आया है जिसका मीनिंग है डिफरेंट. ओके, डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से उसका मीनिंग वहाँ पे है. ओके, डिफरेंस जिसे हम कह सकते हैं. तो देयरफॉर जनरली द लोकल टाइम एट द लॉन्जिट्यूड व्हिच जनरली पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री इज डीम्ड टू बी द स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंट्री. ओके, तो इस तरह की अगर कंट्री है जिसमें डिफरेंट ऐसे लॉन्गिट्यूड्स जनरली पास हुए हैं, डिफरेंट ऐसे लॉन्गिट्यूड्स वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे जो मिडल पार्ट है, जो मिडल लॉन्गिट्यूड है, उसे क्या किया जाता है, डीम्ड किया जाता है, मतलब कंसिडर वहाँ पे किया जाता है, कंसिडर किया जाता है. ओके, डीम्ड का मीनिंग क्या है, कंसिडर. ओके, देन दिस स्टैंडर्ड टाइम इज यूज ऑल ओवर द कंट्री, और यही स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री का वहाँ पे लिया जाता है. विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस एट ग्लोबल लेवल देयर शुड बी कॉम्पिटिबिलिटी बिटवीन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वेरियस कंट्रीज. तो अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो ग्लोबली जो भी मतलब स्टैंडर्ड टाइम है वो लोगों के अंदर मतलब एक जिसे हम कहते हैं कंफर्टेबिलिटी वहाँ पे लाते हैं. टू फैसिलिटेट दिस द वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स. तो पूरा जो वर्ल्ड है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है. दिस टाइम जोन्स हैव बीन क्रिएटेड विद द रेफरेंस टू द प्राइम मेरिडियन इटसेल्फ. और ये जो डिफरेंस वहाँ पे जो बताया गया है, हर एक कंट्री का जो टाइमिंग वहाँ पे बताया गया है वो प्राइम मेरिडियन से बताया गया है. प्राइम मेरिडियन से उसका डिफरेंस बताया जाता है. नॉर्मली इफ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री इज लेस देन 1 or 2 आवर्स ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम इज कंसिडर फॉर द कंट्री. तो एक ही मतलब लॉन्जिट्यूड में आने वाली जो कंट्री है उसका पूरे के पूरे कंट्री का एक ही टाइम वहाँ पे होता है. देन बट इफ द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज मोर देन दैट देन वन स्टैंडर्ड टाइम इज नॉट इनफ. अगर लॉन्जिट्यूड वहाँ पे ईस्ट और वेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना, तो वहाँ पे एक ही टाइम कंसिडर नहीं किया जा सकता. एंड इन सच कंट्रीज मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम जोन्स आर कंसिडर. तो एक स्टैंडर्ड टाइम जोन से ज़्यादा टाइम वहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं. गिव इट ट्राई. लुक फॉर द मैप ऑफ वर्ल्ड टाइम जोन फ्रॉम डिफरेंस बुक्स एंड सी इन विच टाइम जोन इंडिया फॉल्स इन टू. तो अलग अलग बुक्स में से आपको क्या करना है कि वर्ल्ड के टाइम जोन वहाँ पे ढूंढने हैं. फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एन एटलास फाइंड आउट विच कंट्रीज नीड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम. तो एटलास यानी मैप के जरिए आपको ढूंढना है कि कौन सी कंट्री को एक से ज़्यादा टाइम जोन की ज़रूरत है. देन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट मीन्स IST हैज़ बीन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द 82° 30' ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास में मिर्ज़ापुर नाम की एक सिटी है, वहाँ से एक लॉन्गिट्यूड गई है जिसकी वैल्यू है 82° 30' ईस्ट. तो ये डिसाइड की गई है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए. इस वैल्यू की जो लॉन्गिट्यूड है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड करती है. दिस लॉन्जिट्यूड पासेज थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री विद रेफरेंस टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट. तो ये जो लॉन्गिट्यूड है वो कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच से गई है जिसकी वजह से उसका रेफरेंस लिया जाता है. द लोकल टाइम एट दिस लॉन्जिट्यूड हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ होल कंट्री. तो लोकल टाइम
एट दिस लॉन्जिट्यूड, इस लॉन्जिट्यूड का जो लोकल टाइम है वो पूरी कंट्री के लिए डिसाइड किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है. व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन द लॉन्जिट्यूड देन इट इज अज्यूम एट दैट इज द 12 नून एवरीवेयर इन इंडिया. अगर इस लॉन्जिट्यूड के ऊपर, मतलब जिसकी वैल्यू 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की है, इस लॉन्जिट्यूड के ऊपर अगर सन डायरेक्टली ओवरहेड वहाँ पे होता है तो नून टाइम बताया जाता है, 12 नून टाइम पूरी कंट्री का वहाँ पे बताया जाता है. देयर इज नो डिफरेंस ऑफ मोर देन 1 आवर बिटवीन. तो वहाँ पे 1 आवर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं बताया जाता बिटवीन द लोकल टाइम एट 82 डिग्री 30 मिनट एंड अदर प्लेसेस इन द कंट्री. तो 1 घंटे से भी ज़्यादा ऐसा डिफरेंस पूरी कंट्री में नहीं बताया जाता. मतलब अगर 82 डिग्री 30 मिनट ये इस वैल्यू के लॉन्जिट्यूड पर सन पूरी तरह से ओवरहेड पे आता है तो वहाँ पे 12 नून हुए हैं, तो अदर पार्ट में मतलब 1 घंटे से ज़्यादा टाइम वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता. ओके, देन कैन यू टेल मी, लुक एट द फिगर 1.4 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये फिगर हमें देखकर क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं. ओके, इस फिगर को अच्छी तरह से आपको स्टडी कर लेना है, आपके बुक में होगी वहाँ पे देखो. तो इस क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, Considering the longitudinal extent of India, how many longitudes with the difference of 1 degree can be drawn on the map? तो मैप के ऊपर 1 degree से लेकर अगर हम longitude वहाँ पे बनाते हैं तो टोटल कितने longitude वहाँ पे आएंगे? तो वो आएंगे 29 longitudes. ये आंसर आपका आएगा. आंसर इज 29 longitudes. ओके, 29 longitudes. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, बाय हाउ मेनी मिनट्स डू टू कॉन्सिक्यूटिव लॉन्जिट्यूड्स डिफर. तो दो लॉन्गिट्यूड्स में कितना टाइम का डिफरेंट वहाँ पे होता है? तो हमने इससे पहले मतलब इसे पढ़ लिया है, वो है 4 मिनट्स का. 4 मिनट्स, ये वहाँ पे आंसर आएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिग्री लॉन्जिट्यूड एट मिर्ज़ापुर. मिर्ज़ापुर पे जो लॉन्जिट्यूड है उसकी वैल्यू क्या है? तो वो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट. ये है. ओके, दिस इज द आंसर. देन इफ इट इज 8 AM एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, व्हाट वुड बी द टाइम इन देयर क्लॉक्स एट द फॉलोइंग प्लेसेस. तो नीचे दिए गए प्लेसेस में कौन सा टाइम वहाँ पे रहेगा, जैसे कि जम्मू, देन मदुराई, देन जैसलमेर एंड गुवाहाटी, यहाँ पे टाइम क्या रहेगा? तो वहाँ पे टाइम रहेगा, यहाँ इन जगहों पे टाइम रहेगा 8 AM. ओके, ये टाइम रहेगा क्योंकि पूरी कंट्री का एक ही टाइम है जिसकी वजह से. ओके, नेक्स्ट, दो द डिस्टेंस बिटवीन टाइम इज मोर, व्हाई डजंट द स्टैंडर्ड टाइम डिफर इन दीज प्लेसेस. तो इसका आंसर इस तरह से बताया जा सकता है कि इन इंडिया द टाइम एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया एंड देयर फोर द सेम टाइम विल बी कंसिडर्ड एवरीवेयर इन इंडिया. तो हमारी जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाली जो लॉन्जिट्यूड है वहाँ पे जो भी टाइम डिसाइड किया गया है वो पूरे इंडिया का टाइम रहेगा, जिसकी वजह से हर एक जगह पे सेम टाइम वहाँ पे रहेगा. इस लॉन्जिट्यूड पे अगर 8 बजे है तो इन सब जगहों पे 8 बजे होंगे. ओके, नेक्स्ट, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम. ओके, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम, यू विल सी द नेक्स्ट पेज हियर, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम, फॉर द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम. देन नाउ लिसन केयरफुली, for an international coordination between countries, the local time at Greenwich, that means Greenwich Mean Time in England, is considered to be international standard time. तो Greenwich country, Greenwich city है जो England के पास है, वहाँ से एक prime meridian वहाँ पे consider की गई है, मतलब imaginative ऐसी एक meridian वहाँ पे डाली गई है, longitude वहाँ पे डाला गया है और वो पूरे world का time decide करने के लिए ली गई हैं. The difference in the standard time of various countries is calculated with the reference to GMT.
तो जीएमटी के हिसाब से मतलब ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से हर एक कंट्री का टाइम डिसाइड किया गया है। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 आवर्स 30 मिनट अहेड ऑफ जीएमटी। तो जीएमटी से इंडिया का जो टाइम है वो 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आगे है, 5 आवर्स 30 मिनट आगे हैं। इफ़ इट इज़ 5 AM एट द ग्रीनविच देन इंडिया वुड बी, अगर ग्रीनविच में 5 बजे हैं तो इंडिया में कितने बजे होंगे, आगे हमें जाना होगा 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स मतलब 10:30 PM वहाँ पे रहेगा। ओके नेक्स्ट गिव इट ट्राई। द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इफ इट इज 8 AM इन इंडिया व्हाट इज द टाइम इन ग्रीनविच। तो ग्रीनविच में कौन सा टाइम रहेगा, तो 5 मिनट्स आगे हमें जाना होगा मतलब टाइम आएगा 2:30 AM, 2:30 AM। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हेन इट इज 2 PM इन इंडिया इन विच कंट्री वुड बी 2 PM टू। तो कौन सी कंट्री में रहेगा, तो वो रहेगा श्रीलंका में। कहाँ पे, श्रीलंका में। ओके श्रीलंका। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हेन इट इज 9 AM इन इंडिया व्हाट वुड बी द टाइम एट 82° 30' वेस्ट लॉन्जिट्यूड। तो द आंसर इज 10 PM ऑफ प्रीवियस डे। ओके इस तरह से आप आंसर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे है, व्हाट वुड बी द टाइम एट प्राइम मेरिडियन व्हेन अ न्यू डे स्टार्ट एट 180 longitudes। तो वहाँ पे टाइम क्या रहेगा, आंसर इज 12 noon, आंसर इज 12 noon। ओके तो इस तरह से आंसर हम दे सकते हैं। डू यू नो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी INST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, एन इंस्टीट्यूट इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ डेवलप्ड द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका ने यह डेवलप किया है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ऐसा टाइम वहाँ पर बताया जाता है। क्लॉक्स हैव बीन एडजस्ट बाय 1 second, 1 second से वो क्लॉक सब एडजस्ट किए गए हैं, एडेड और सब्सट्रैक्टेड, एड कर सकते हैं सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं 1 second का, वंस इन 20 million ईयर। तो 20 million ईयर से ईयर के साथ इन इंडिया द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर भी एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है मतलब NPL न्यू दिल्ली के अंदर, गिव्स सर्विस ऑफ एक्यूरेट टाइम कीपिंग, और वो भी एक्यूरेट टाइम कीपिंग वहाँ पे सर्विस देती है। द क्लॉक यूज हियर आर एक्यूरेट अप टू 1 lakh part ऑफ द सेकेंड। इतना एक्यूरेट टाइम देता है कि वो टाइम का 1 lakh part ऑफ सेकेंड भी एक्यूरेसी वहाँ पे होती है। एज एक्यूरेट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेस रिसर्च। तो ये एक्यूरेट टाइम किसके लिए जरूरी है, स्पेस रिसर्च के लिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए और एक्सेट्रा। दीज क्लॉक्स आर यूज इन दीज एक्टिविटीज। तो ये एक्यूरेट क्लॉक जो है वो इस एक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये NPL मतलब नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया का ये लोगो है। ओके देन द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज डू यू नो जंतर मंतर एस्ट्रोनॉमिकल। ओके जंतर मंतर के बारे में जानकारी लेते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज है वो। देन महाराजा सवाई जयसिंह से कैम द किंग ऑफ जयपुर राजस्थान। राजस्थान के एक किंग थे जयपुर में जिनका नाम था महाराजा सवाई जयसिंह सेकेंड। ओके वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, ये बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे एंड आर्किटेक्ट भी थे। ही बिल्ट फाइव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज कॉल जंतर मंतर एट उज्जैन, देन वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एंड मथुरा। तो उन्होंने ऑब्जर्वेटरीज वहाँ पे बनाई हुई थी और 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी। कहाँ कहाँ पे बनाई थी, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली और मथुरा में। द वन एट मथुरा डजंट एग्जिस्ट टूडे बट वन कैन विजिट द अदर 4 इवन टूडे। तो एक वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है लेकिन 4 को हम विजिट कर सकते हैं आज के दिनों में। वन कैन नो द एग्जैक्ट टाइम अप टू सेकेंड थ्रू शेडो, शेडो के जरिए सेकेंड वाला एग्जैक्ट टाइम इस ऑब्जर्वेटरीज में हम बता सकते हैं। जंतर मंतर डू नॉट ओनली हाउस सनडायल बट दे आर कंप्लीट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो सिर्फ ये एक सनडायल नहीं है, यानी एक टाइम मशीन वहाँ पे नहीं है मतलब टाइम बताने वाली चीज़ नहीं है, तो वो कंप्लीटली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी है। वन कैन ऑब्जर्व द स्काई फ्रॉम हियर टू, यहाँ से
स्काई के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट जंतर मंतर इट इज स्टिल पॉसिबल टू सी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन भी वहाँ से कर सकते हैं जंतर मंतर से। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन मतलब वट एवर द सेलेस्टियल बॉडीज आर एग्जिस्ट इन द स्पेस, स्पेस के अंदर जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, है ना, तो उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। कौन सी है? तो हमारे सब के सब प्लैनेट्स हैं, हमारा सन है, कॉमेट्स है ना, और उसके साथ साथ एस्ट्रॉइड, मेटेराइड, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं, उनको हम देख सकते हैं। आफ्टर द इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, नाउ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर ऑफ अ कल्चरल हेरिटेज। तब मॉडर्न इवेंट में, मतलब मॉडर्न एरा में बहुत से सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे कल्चरल हेरिटेज बताने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट ये जंतर मंतर कहा जाता है। यहाँ पे उसकी फोटो बताई गई है, देखो ये है जंतर मंतर। ओके, देन थिंक अबाउट इट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज ओनली द स्टैंडर्ड टाइम एग्जिस्ट? मैक्सिको, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, चाइना, आंसर्स आपको बताने हैं। व्हाई डज द कंट्री हैविंग लार्ज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हैव ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम, है ना, तो किस तरह से ये आंसर्स आपको बताने हैं, बाकी सब तो मैंने बता दिए हैं। ओके,